वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जो ट्रेड्स हुई है, नंबर ऑफ ट्रेड्स काफी ज्यादा हो चुकी हैं, ऑर्डर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्या क्या रीजन थे, कैसे क्या क्या हुआ, सारी ही चीजें आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। और क्या मेरी गलतियां थी, मेरी जो गलतियां थी वो यही थी कि भाई आप लोगों को जो है मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं, मार्केट जो है वो कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, हमेशा आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और यही जो है मेरी मिस्टेक थी, मेरा जो मैंने व्यू बनाया था मैं उसी व्यू के ऊपर लगी रही और मार्केट जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया। तो देखते हैं मेरी गलतियां क्या थी और उन गलतियों को आप मत दोहराइएगा और उन गलतियों से सीखिए। चलते हैं वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट जो है वो क्लोज हो चुका है। मेरा जो व्यू था वो यहाँ पे मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये देखिए मार्केट जो है वो यहाँ पे साइडवेज था। साइडवेज को जैसे ही ब्रेक किया हमें काफ़ी अच्छी जो है एक डाउनफॉल देखने को मिली, लेकिन जो मेरा व्यू था, अब बात करें व्यू की, तो मेरा व्यू यहाँ पे अपसाइड का था। अपसाइड की वजह से मैंने जो है इतनी अच्छी और इतनी बड़ी बढ़िया से जो है मार्केट ने डाउनफॉल दिखाई थी, ये मेरे से जो है मैंने इसको छोड़ दिया और उसी वजह से जो है मुझे लॉस हुआ। तो यहाँ पे मेरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो यही थी कि मैं अपने व्यू पे अड़ी रही और यहाँ पे जो है अपसाइड में ही अपनी ट्रेड्स लेती रही, तो इसीलिए यहाँ पे आज मेरा लॉस हुआ। उसके बाद जो है मार्केट लगभग साइडवेज ही था, उसके बाद हमें कुछ खास मूव्स नहीं देखने को मिली है मार्केट में। दिखाऊँ कि कौन सी रेंज में था मार्केट, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार के लिए। ये देखिए मार्केट ने जो है ये वाली एक रेंज बनाई हुई थी और मार्केट इसी रेंज में था। ये वाली जो है रेंज काफ़ी जो देख सकते हैं इम्पोर्टेंट रेंज थी, ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से मार्केट जो है वो नीचे ही आ गया। तो आज के दिन जो है सिर्फ हमें स्टार्टिंग में ही मूव देखने को मिली थी, उसके बाद मार्केट साइडवेज था, कुछ और ट्रेड्स नहीं मिली हमें मार्केट में। बात करें 15 मिनट के हिसाब से, तो 15 मिनट के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वही सेम जो है मार्केट ने आज हमें लगातार की डाउनफॉल दिखाई, जो कि थी लगभग 600 के करीब पॉइंट्स जो है हमें एक अच्छी डाउनफॉल देखने को मिली यहाँ पे। बस इतने ही ट्रेड्स हमें देखने को मिल रही थी। बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ये आप देख सकते हैं ये जो है आज मेरे दिन का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है। ट्रेड्स जो हैं वो जैसा कि मैंने 14 की हो चुकी हैं, ज़्यादा ही हुई हैं, मुझे पता है ओवर ट्रेडिंग हुई है, लेकिन ठीक है अब इसी से ही सीखना है। और मेरा सजेशन आपको भी यही है कि आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग ना करें, सीखे मेरी गलती से, सीखे मेरे प्लस पॉइंट से सीखे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। तो देख लिया आप लोगों ने कि कहाँ मेरी गलती थी, उम्मीद कर रही हूँ सीखा भी होगा मेरी गलती से कि क्या मेरी गलती थी और कहाँ आप लोगों को जो है वो गलती नहीं करनी है। नॉर्मल से मिस्टेक थी कि अपना जो व्यू है वो मार्केट की साइड ही रखना चाहिए, मार्केट को अपनी साइड नहीं करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। तो अब क्या किया जाए, अब ये किया जाएगा कि मेरा नॉर्मल जो लॉस होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं 2000 ही रखती हूँ, लेकिन आज जो लॉस हुआ है वो लगभग 4000 के करीब का हो जाएगा, जो मेरे सारे चार्जेस वगैरह हैं वो मिला के, क्योंकि 14 ट्रेड हो चुके हैं, 1900 लॉस तो है ही। तो इसीलिए मैंने मेरे थंबनेल में भी जो है 3500 है वही लिखवाया है। क्यों लिखवाया है, इसी वजह से लिखवाया है क्योंकि आप लोगों को मैं किसी भी वहम में नहीं रखना चाहती कि हाँ सिर्फ 1900 का ही लॉस हुआ है, इसीलिए 4000 का मैं ओवरऑल लेके चल रही हूँ, 4000 का लॉस है तो फिर इसीलिए मैं कल ट्रेड नहीं करूंगी, ताकि मेरा ओवरऑल वीकली जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बराबर रहे। मैं ये मान लूंगी कि कल का ही मेरा 2000 का था, आज भी मेरा 2000 का था। थैंक यू।